वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टू बी वर्ब। टू बी वर्ब्स क्या होते हैं, उनको सीखने के लिए हमें पहले वर्ब की एक प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन वर्ब की यही है कि वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, बट इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ मोर देन दैट। सिर्फ और सिर्फ एक्शन नहीं बता रहा होता वर्ब, वर्ब एक स्टेट ऑफ बींग को भी बताता है, मतलब स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को भी बताता है। इसको हम कहें तो किसी चीज़ की, किसी इंसान की, किसी ऑब्जेक्ट की हालत को भी बता रहा होता है, कंडीशन को भी बता रहा होता है। यहाँ पर हमारे जो टू बी वर्ब्स होते हैं वो यही होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे होते हैं। वो हमारे होते हैं एजमर, वॉजवर और हाँ विल बी और शल बी भी, क्योंकि हर चीज़ का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है और इन वर्ब्स का भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। प्रेजेंट में आ जाते हैं एजमर, पास्ट में आ जाते हैं वॉजवर, और वहीं अगर फ्यूचर में आ जाए तो विल बी और शल बी। इन सब का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी कि क्यों अलग अलग लिखा जाता है, आगे जाकर इनका प्रॉपर यूजेज भी देखेंगे। टू बी वर्ब्स इतना माइंड में रखें कि स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा होता है, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बता रहा होता है हमेशा। टू बी आप ऐसे माइंड में रख लें कि बिकम का शॉर्ट फॉर्म है। इसको हम याद रखना चाहें तो मैं कहूँ आई एम अ टीचर, प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में जाएगा आई वॉज अ टीचर, फ्यूचर में हो जाएगा आई विल बी अ टीचर। अच्छा, इसको आई शल बी अ टीचर भी कह सकते हैं, आई विल बी अ टीचर भी कह सकते हैं, दैट्स ऑल योर चॉइस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विल आई और वी के साथ नहीं यूज़ होगा, लेकिन होता है, शल भी यूज़ होता है, विल भी यूज़ होता है। आजकल की जो हम स्पोकन इंग्लिश में जा रहे होते हैं, हम मोस्टली विल ही यूज़ करते हैं, शल नहीं करते थे। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ डिफरेंट टू बी वर्ब्स लग रहे होते हैं। जैसे आई के साथ पास्ट में आएगा तो वॉज लगेगा, प्रेजेंट में आएगा तो एम लगेगा। अच्छा, फ्यूचर का विल भी लगा सकते हैं, शल भी लगा सकते हैं, यहाँ मैंने शल नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लगा सकते हैं। यू के साथ आर लगेगा हमेशा, चाहे यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर भी होगा तब भी आर लगेगा, प्लूरल भी होगा तब भी आर लगेगा। एक बंदा यू में आता है तब भी आर लगेगा, 100 बंदे आते हैं तब भी आर लगेगा, और जहाँ जहाँ आर लगेगा वहाँ वहाँ पास्ट में वर ही लगेगा हमारा, एक चीज़ माइंड में रखें। और जहाँ भी हमारा प्रेजेंट में इज लगेगा उसके पास्ट में हमारा वॉज ही लगेगा। शी लिखा हुआ है यहाँ, ही नहीं लिखा हुआ, ही के साथ भी इज और वॉज ही लगता है। ये सब का भी याद दे सकते हैं कि वी के साथ आर लगता है तो पास्ट में वर, और बाकी फ्यूचर में तो विल बी ही लगेगा। दे के साथ भी आर है तो पास्ट में वर और फ्यूचर में विल बी। अच्छा, ये तो हो गया प्रोनाउंस। अगर नाउन के साथ हमें टू बी वर्ब लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? नाउन क्या होता है? नेम। किसी भी चीज़ का नाम है तो वो नाउन है, चाहे फिर कोई चीज़ ही हो, ऑब्जेक्ट ही हो, कोई चीज़ ना दिखाई दे वो भी नाउन ही है। नाउन को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, पर पहले इस चीज़ पर ध्यान दें नेम्स के साथ टू बी वर्ब कैसे लगेगा। अगर सिंगुलर नेम आता है तो उसके साथ इज लगेगा, लेकिन अगर प्लूरल नेम आता है, प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा अगर नेम्स आ जाते हैं तो वो प्लूरल कहलाएगा, और उनके साथ कभी भी हम इज नहीं लगाएंगे, हमेशा आर ही लगेगा। और फिर ऑब्वियसली उनका पास्ट भी वही होगा कि इसकी जगह वॉज लग जाएगा और जहाँ पर आर है वहाँ वर लग जाएगा। फ्यूचर में तो आपको पता ही है कि हमें विल बी ही लगाना पड़ेगा। अभी तक हमने टू बी वर्ब्स का यूजेज देखा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तक। अब इनको देखेंगे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ होंगे, नेगेटिव में कैसे यूज़ होंगे, इंट्रोगेटिव में कैसे यूज़ होंगे। उसी तरह से जैसे हर सेंटेंस अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में यूज़ होता है, टू बी वर्ब्स भी उसी तरह से यूज़ होंगे। अफर्मेटिव में पॉजिटिव सेंटेंसेज बनेंगे, नेगेटिव में ऑब्वियसली सिर्फ हमारा नॉट लगेगा, इंट्रोगेटिव का हमें तो मतलब ही पता है कि क्वेश्चन जहाँ पर पूछा जाए। रूल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। अगर हमें अफर्मेटिव फॉर्म में लगाना है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हम इस तरह से लगाएंगे। इनकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है आई एम फ्रॉम ब्राज़ील, आप कहीं से भी हो आई एम ही लगाओगे। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ जापानीज, इट इज़ डिफ़िकल्ट, वी आर और यू आर, हमें पता है कि इज एम आर कहाँ लगाना है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आ जाते हैं नेगेटिव की तरफ। सारा फॉर्म, सारा पैटर्न सेम ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें नॉट लगा देना है। जैसे आई के साथ एम था, एम ही रहेगा, लेकिन उसके साथ नॉट लग जाएगा। जो भी वर्ब था वही सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉट का ऐड हम कर देंगे। सेंटेंसेस के एग्जांपल से देख लेते हैं।
नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव, ये भी उसी सेम तरीके से यूज़ होगा, सेम वर्ब्स होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा बाद में आ जाएगा, वेदर वो सब्जेक्ट किसी का नेम हो, आई यू ही शी इट दे वी, कोई भी प्रोनाउन हो, वो हमेशा बाद में ही आएगा, हमेशा हमारा वर्ब पहले होगा इंट्रोगेटिव में। और एक और चीज़ माइंड में रखें, इंट्रोगेटिव में हमेशा हम क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होता है, उस क्वेश्चन मार्क अगर हम नहीं ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है और हमारा टू बी वर्ब भी यूज़ किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट में देखें, इज़ ही मैरिड, वहाँ एम क्यों था, क्योंकि आई था, यहाँ इज़ क्यों है, क्योंकि ही है। ये पहले सीख चुके हैं कहाँ पर इज़ लगेगा, कहाँ पर एम, कहाँ पर आर। यहाँ तक हमारा टू बी वर्ब्स कंप्लीट हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड, होप यू लर्न इट। अब आपको कोई क्वेश्चंस भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियोस जब अपलोड हों तो आपके पास शो हों। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।